हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जून का महीना चल रहा है और धान की बेल जो होती है उसको तैयार करने के लिए सभी किसान तैयारियां शुरू कर चुके हैं। कुछ लोग तो बोना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, एक अच्छी धान की बेल तैयार करने के लिए हमको किस तरीके से प्रबंधन करना चाहिए, उसके विषय में मैं आज कुछ जानकारियाँ दूंगा, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी धान की बेल तैयार कर पाएंगे और अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों, आज मैं दो टॉपिक में बात करूँगा। पहला कि धान की जो उन्नत किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, और दूसरा कि धान की जो बेल तैयार कर रहे हैं हम, तो उसको बहुत उच्चतम क्वालिटी की तैयार करने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पूरे वीडियो में बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी में जून का महीना चल रहा है, गर्मी भयंकर तरीके से हो रही है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में हमको सबसे पहले खेत की एक गहरी जुताई करनी है। जिस खेत में हमको बेल बोना है उस खेत की गहरी जुताई कर लेनी है, जिससे कि उसमें जो निमटोड की बीमारी होती है, निमटोड के बैक्टीरिया और जो फंगस वगैरह होती है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी ऐसी धूप में। और नष्ट होने के बाद हमारे खेत में किसी प्रकार की जो बेल बोएंगे उसमें बीमारी नहीं लगेगी और वो फंगस से दूर रहेंगे, बैक्टीरिया से दूर रहेंगे। किसान भाइयों, गहरी जुताई करने के बाद हमें उसमें एक बार रोटावेटर से जुताई कर देनी है। कुछ दिन हवा में धूप में पड़े रहने देना है, जैसे कि 2-4-6 दिन पड़े रहेगा तो उसकी जो बैक्टीरिया फंगस होगी वो नष्ट हो जाएंगे। फिर रोटावेटर से जुताई करके उसके जो डेले होंगे, जो डेले बड़े बड़े उठते हैं जो है कल्टीवेटर चलाने से, वो बराबर हो जाएंगे, डेले ख़त्म हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। दोस्तों, रोटावेटर चलाने के बाद हमें खेत को लेवल कर लेना है। खेत को पूरी तरीके से लेवल कर लेंगे अच्छे तरीके से, जिससे कि हम जब पानी का भराव करेंगे तो पूरे खेत में बराबर पानी भरेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगा। ठीक है किसान भाइयों, जिससे कि हमारे खेत अच्छे तरीके से पानी पूरी बेल में बराबर मात्रा में पानी पहुंचा पाएंगे। दोस्तों, लेवल करने के बाद हमें खेत में पानी भर देना है। जिस खेत में हमें पलेवा करना है, यानी कि जिसमें हमें बेल बोनी है उसमें पलेवा कर देना है, आपके यहाँ जो भी बोलते हों उसमें पानी भर देना है। पानी भरने के बाद हमारे खेत को अच्छे से नमी दे देंगे, जिससे कि क्या होगा कि पूरे खेत में अच्छे से नमी पहुँच जाएगी, जो भी खरपतवार होंगे वो खरपतवार उग आएंगे और उगने के बाद वो हमारी बेल को मतलब बेल जब बोएंगे उसमें नहीं उगेंगे, जिससे कि हमारी बेल सुरक्षित रहेगी, उसमें खरपतवार कम मात्रा में उगेंगे। किसान भाइयों, पानी भरने के बाद जब उसमें खरपतवार उग आएंगे तो पूरी तरीके से खरपतवार उगाने देना है, और जब जुताई के काबिल हो जाए किसान भाइयों हमारा खेत, तो उसमें गोबर की खाद फैला देनी है अच्छी पकी हुई। किसान भाइयों, कच्ची खाद हमें बिल्कुल भी नहीं फैलानी है, इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखिएगा आप। अगर आप कच्ची खाद फैलाते हैं तो आपके खेत में दीमक की समस्या होगी और अच्छी की बजाय बिल्कुल ख़राब हो जाएगी आपकी फसल। जो आप बेल बोएंगे वो बेल बिल्कुल बेकार हो जाएगी किसान भाइयों, वो अच्छी तरीके से बेल नहीं उत्पादित होगी और अच्छी की जगह वो ख़राब हो जाएगी, पीलापन आएगा और उसमें दीमक की बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो किसान भाइयों, आपको अच्छी से सड़ी हुई पकी खाद जो मिट्टी की तरह हो जाए उसी को उसमें फैलाना है। अगर नहीं मिल पा रही है तो आपके क्षेत्र में पता कर लीजिए, कहीं वर्मी कंपोस्ट अगर मिल जाती है तो उसको फैला दीजिए किसान भाइयों जुताई करने से पहले, और उसके बाद उसमें जुताई कर देनी है। वर्मी कंपोस्ट आप फैलाएंगे तो आप देखेंगे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपकी जो बेल होगी बहुत उच्चतम क्वालिटी की तैयार होगी। किसान भाइयों, फैलाने के बाद हमको अच्छे तरीके से जुताई कर देनी है फिर से एक बार, ताकि हमारी जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद है वो पूरे खेत में मिल जाए और अच्छे तरीके से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाए। किसान भाइयों, उसके बाद हमें वैरायटी का चुनाव करना है, हमें कौन सी वैरायटी बोनी है, वैरायटी का चुनाव कर लेंगे आप। ठीक है, वैरायटी आपने चुन लिया। वैरायटी चुनने के बाद क्या करेंगे, जो 20 किलो बीज होगा किसान भाइयों, 20 किलो बीज में आप 25 किलो पानी लेंगे, 25 लीटर पानी, 25 से 30 लीटर पानी लेंगे आप। ठीक है किसान भाइयों, 25 से 30 लीटर पानी ले करके आप उसमें बीज को भिगो देंगे। लेकिन भिगोने से पहले क्या करना है, उस जो 25 लीटर पानी लेंगे उसमें अच्छे से प्रति लीटर 2 ग्राम, यानी कि जैसे 25 लीटर पानी लिया है आपने मान लीजिए, तो आप 50 ग्राम कार्बेंडाजीन लेकर के या 4 ग्राम लगभग आप बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल ले लेंगे, उसको मिला करके उसमें पानी में फिर बीज को भिगोना है किसान भाइयों। अगर आप बीज को ऐसे ही भिगो देते हैं तो आपकी फसल में बहुत सारी बीमारियाँ लगेंगी, जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, परेशान करेंगे। तो हमको बीज को शोधित कर देना है, तो शोधित करने के लिए हमें फंगीसाइड मिला देना है किसान भाइयों, और मिलाने के बाद उसमें एंटीबैक्टीरियल भी मिला देना है, उसको मिला करके उसमें हमें तब बीज को भिगोना है, और 24 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है किसान भाइयों। 24 घंटे बाद आप उसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद उसको जूट के बोरे में पलट देंगे, जूट के बोरे में भर करके उसको रख देंगे किसान भाइयों, जूट के बोरे के अंदर उसको भर देंगे, भर के उसको किसी बंद जगह में जहाँ पर प्रकाश ना पहुँचता हो ऐसी जगह पर उसको रख देना है, और उसको रखे रहने देना है, नमी बरकरार रखनी है। किसान भाइयों, आप देखेंगे कि उस 24 से 36 घंटे बाद आपकी जो धान के बीज होंगे उनमें जर्मिनेशन आ चुका होगा, जिससे आपकी धान की बेल जल्दी तैयार हो जाएगी किसान भाइयों। उसके बाद आपको क्या करना है, 50x50 का एक बेड बना लेना है, 50x50 का बेड बना करके उसमें 10 किलो DAP, 5 किलो यूरिया मिला करके उसमें फैला देना है।
उसके बाद उसमें उसकी अच्छे से जुताई कर देनी है, जिससे कि मिट्टी में अच्छे से डीएपी और यूरिया मिक्स हो जाए। हम किसान भाइयों डीएपी और यूरिया क्यों डालेंगे, क्योंकि हमने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल दी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें रासायनिक खाद देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि धान की फसल हमारी अत्यधिक ताकत मांगने वाली फसल है। अगर हम उसमें रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो किसान भाइयों हमारी जो फसल है वो अच्छी पैदावार नहीं होगी, जो हमारी बेल तैयार होगी वो अच्छी स्वस्थ बेल तैयार नहीं होगी, जिससे हमें फसल में भी उसका प्रभाव पड़ेगा किसान भाइयों। तो हमको अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है डीएपी और यूरिया को, उसके बाद उसमें पानी भर देना है किसान भाइयों। पानी भरने के बाद उसमें पांटा लगा देना, जिससे कि जो भी उबड़ खाबड़ मिट्टी होगी बराबर हो जाएगी, एक तरीके से प्लेन हो जाएगी, उसका जो सरफेस होगा प्लेन हो जाएगा। उसके बाद जो हमने अंकुरित किए हैं बीज उनको मुट्ठी में ले लेकर के पूरे पानी में बिखेर देना है, उस क्यारी में 50x50 के बिखेर देना है अच्छे से, और वो अच्छे से पानी के नीचे बैठ जाएंगे किसान भाई। किसान भाइयों आपने रासायनिक खादें जो ज़मीन में देनी थी वो तो दे दी, अब हमको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, स्प्रे करने के लिए हमें अपने टैंक में जो पानी का मिश्रण उसमें जिंक, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट तीनों को मिला करके मिश्रण बना लेंगे और उस मिश्रण को अपने पानी में मिला करके टैंक में डाल के स्प्रे कर देंगे अपनी बेल में, जिससे क्या होगा कि आपकी फसल बहुत अच्छे तरीके से जो बेल है बहुत अच्छे से और तेज़ी से ग्रोथ करेगी किसान भाइयों, और ग्रोथ करके 20 से 25 दिन में फसल जो आपकी बेल होगी वो ट्रांसप्लांट करने लायक हो जाएगी किसान भाइयों। इस तरीके से अगर आप बुआई करेंगे तो आपकी जो बेल है वो 20 से 25 दिन में ट्रांसप्लांट हो जाएगी, और हर हालत में हमें 20 से 25 दिन में ट्रांसप्लांट कर देना है किसान भाइयों, नहीं तो हमारी जो फसल होगी जो धान की पैदावार होगी वो अच्छी नहीं होगी और हमारे धान की पैदावार में प्रभाव पड़ेगा किसान भाइयों। अगला वीडियो मेरा जो बनने वाला है वो बनेगा किसान भाइयों जो हमारी फसल होती है जो धान की फसल होती है उसको ट्रांसप्लांट कैसे करें, उसमें बेसल डोज कैसे देना है, उसमें किस तरीके से खेत की तैयारी करनी है, कब कब उसमें खाद डालनी है, ये पूरी सीरीज चलेगी किसान भाइयों। पूरी सीरीज देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिलती रहे किसान भाइयों। अब मैं आपको जो मुख्य टॉपिक है उसके बारे में बताऊँगा, जो हमारे मुख्य वैरायटी हैं कौन कौन सी हैं जो अच्छा उत्पादन पिछले साल दे करके गई हैं और उनको अगर हम बोते हैं तो हमको इस साल भी अच्छा उत्पादन मिले। किसान भाइयों अगर मैं टॉप वैरायटी की बात करूं तो हमारे क्षेत्र में देश में जो टॉप वैरायटीज़ हैं मैं 6 वैरायटी बताऊंगा, 6 ऐसी प्रजातियां बताऊंगा जो अच्छा उत्पादन दे रही हैं और किसान उनका लाभ उठा रहे हैं। सवाना कंपनी का 75501 या 73 अथवा परमल कंपनी का PR 126 या PR 131, इन दोनों वैरायटियों में से आप कोई भी एक बो सकते हैं जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर आप बासमती बोना चाहते हैं तो बासमती में पूसा आता है, पूसा 1509, पूसा 1509 या 1692, ये दोनों वैरायटियों में कोई भी आप एक बो सकते हैं, इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों मेरा अगला वीडियो जो बनेगा वो आपको इस विषय में जानकारी देगा कि आपको किस तरीके से खेत की बुआई करनी है, कैसे क्या करना है, तैयारी करनी है, सारी जानकारी मिलेगी। किसान भाइयों ये मेरा चैनल अमेजिंग ऑर्गेनिक्स आपको इसी तरीके की जानकारियाँ देता रहता है। अगर आपको मेरी जानकारियाँ पसंद आती हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मनोबल मिलता है और मैं नए वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद किसान भाइयों।